लेकिन अभी बहुत सारे पेंडिंग है बिकॉज उनकी संख्या बढ़ चुकी है और बट हाँ उनको टाइम जरूर दे रहा हूँ, उनकी वीडियो कॉल डेफिनेटली होगा मेरा बिल्कुल। आप मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, थैंक यू सो मच, आपकी सोच कितनी अच्छी है। पापा पर गई है, पापा ने मतलब उन्होंने सिखाया जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बनी हूँ, जैसी थिंकिंग है मेरी, सब कुछ उनकी वजह से है, उन्होंने सब कुछ सिखाया है, सब कुछ उनका है। आप हंसते रहा करो, हाँ मेरा हंसना बहुत जरूरी है इस वक्त, मैं हंसूंगी तो काफ़ी लोग जलेंगे, इसलिए मुझे हंसना बहुत जरूरी है मेरे लिए डेफिनेटली। आप इतना अच्छे हो ना, आपसे किसी को भी प्यार हो जाए। और स्वीट, आपकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी तक मुझे काजल डालना नहीं आता है, मुझे समथिंग 2 से 3 साल हो चुके हैं काजल डालते हुए, लेकिन आज भी मुझे काजल डालना नहीं आता है। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अभी जो भी नॉर्मल लड़कियां हैं काजल लगाती हैं, बड़ी बड़ी निप्पल पर, आई डोंट नो किस किस से लगाते हैं वो लोग काजल लगाते हैं, बट मैं जो काजल लगाती हूँ अभी मेरी ये जो फिंगर है इस पे देखो काजल लगा हुआ होगा, मैं अपनी फिंगर से काजल लगाती हूँ। कई बार ऐसा होता है आंसू टपकने लग जाता है काजल लगाने के बाद भी, क्योंकि मुझे आज भी लगाना नहीं आता है काजल, लेकिन मुझे पसंद है तो न्यू एड्रेस अपडेट कर दो आईडी पर। न्यू एड्रेस अपडेट नहीं है, अपडेट है ना, न्यू एड्रेस अपडेट है, आप लोग विजिट कर सकते हैं आराम से, नया एड्रेस ही है यहाँ पे। You are my first crush. Oh my god. You are so amazing. Thank you so much. So cute. Thank you so much. आज मैं ना गया हूँ ना, इसलिए क्यूट लग रही हूँ। डाला था मैंने, आप बहुत क्यूट लग रहे हो दीदी, थैंक यू सो मच, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, सभी मेरी पसंद के होते हैं। ऐसा होता है ना, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे वो घर पे आ गए है ना ये कपड़े, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब जो भी यहाँ का स्टॉक होता है मैं खुद पर्सनली लेने के लिए जाती हूँ, मुझे जो पसंद होता है वो मैं लेके आती हूँ। और हेडेक बहुत ज़्यादा हेडेक होती है यार, कभी ये कभी वो तो अक्कू है जिसने बहुत कुछ संभाल रखा है, बहुत कुछ मतलब सारा इसने संभाल रखा है, इसने हमारी अक्षिता मैम, अक्षिता पारिक मैम जो नॉर्मली सभी बात करते हैं, जिसका भी कॉल आता है अक्षिता मैम उठाते हैं। यस अक्षिता पारिक दीदी, आप बॉय लुक में काफ़ी अच्छे लगते हैं, गर्ल वाले में नहीं लगते, ऑब्वियसली मैं गर्ल हूँ तो मुझे गर्ल लुक में रहना पड़ेगा शादी के बाद में तो, लेकिन ये है कि अभी जो चीज़ मुझे पसंद है वो चीज़ मैं अभी कर लेती हूँ, आई डोंट नो शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आगे का अगर हम सोचेंगे तो अभी की लाइफ हमारी थोड़ी सी डगमगा जाएगी, तो आगे का बाद में देखेंगे कि किस तरीके से रहना है किस तरीके से नहीं रहना है, बट अभी जैसा मुझे पसंद है उस तरीके से मैं रहती हूँ, जैसा मुझे करना है वो मैं करती हूँ, जैसा मुझे कहना है वो मैं कहती हूँ, तो अपनी लाइफ कहने का साफ मतलब है अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीती हूँ, ना किसी के थ्रू या फिर कुछ भी नहीं, मतलब जो कुछ है वो अपने अकॉर्डिंग है अपने दम पर है, नहीं ऐसे ही अच्छा है बॉयज में, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही रहेंगे अपन, बट आई डोंट नो आगे आने वाला कैसा रखेगा, तो तब की बात तब की है, लेकिन अभी अपन जैसे हैं वैसे ठीक है। ये आपकी शादी हुई है, सच में मैं इतनी बड़ी लगती हूँ आपको लगता है कि मेरी शादी हो चुकी है। यस मेरा भी कॉल उठाया था अक्षिता जी ने, अक्षिता जी सभी के कॉल उठाते हैं वो, इवन मेरे पर्सनल नंबर पर भी कोई कॉल आता है तो वही उठाते हैं। योर फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग अभी रिसेंट में मेरा जो फेवरेट सॉन्ग चल रहा है वो है, अभी तो कोई सा भी नहीं चल रहा है यार, मतलब अपन गाने ही नहीं सुनते जो अपने फोन में वो गाने चलते रहते हैं। दीदी जी आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। मुरली सिंह, थैंक यू सो मच।
माता रानी साथ है आपकी? जी बिल्कुल कन्नी माता, पीछे दिख रहे होंगे आपको, हमेशा मेरे पास रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और यही है जो जी बहुत आगे जाना है, और मतलब पूरा सेल्फ डिपेंड होके फिर, बिकॉज पेरेंट्स चाहते हैं।